आओ बच्चों, एक दिन का पाठ 13। ये एक पोयम है, इसे पहले पढ़ लेते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे बिर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंखों में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लगे लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागे। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किसके लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। आओ पहले इसको अर्थ से समझे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, मतलब कि मैं अपने घमंड में ऐठा हुआ खड़ा था, अकड़ के खड़ा था, एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा, जब मैं मुंडेर पे खड़ा था तो बहुत ऐठा हुआ घमंड के साथ खड़ा था, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक एकदम दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा, एक दिन का मेरी आंख में पड़ा। इसको अर्थ से समझा दिया है मैंने अब आपको बच्चों। अब इसका मैं अब भावार्थ बताती हूँ, आप कैसे लिखेंगे इसको। एक दिन का कविता का भावार्थ कैसे लिखना है सुनिए बच्चों। एक दिन का की इस पंक्ति में कवि हरिओत अपने घर की मुंडेर पर घमंड से खड़े हैं, तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक दिन का आ गिरता है। अगला, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागे। मैं हिचका उठा, हुआ बेचैन, जैसे ही उनकी आंख में तिनका पड़ा तो एकदम से वो झिझक गए और आंख में पड़ने से बेचैन हो गए। उनको आंख में तिनका पड़ा तो एकदम से झिझक कर और उनको बहुत बेचैन हुए। क्यों? क्योंकि वो आंख में पड़ गया और उनकी आंख लाल हो गई और वो दर्द भी करने लगी, दुखने लगी। मूड़ देने लोग कपड़े की लगे, कपड़े को इकट्ठा करके, हैंकी जैसे कपड़े को इकट्ठा करके अपने मुंह से गर्म भाप लगा के वो उनके आंखों पे लोग उनको देने लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागे। एक छोटे से तिनके ने उनकी आंख पे इतनी लाल कर दी, बेचैनी कर दी, जो दुखने लगी, और लोग कपड़े से उनको मुंह से गर्म करके या आंख पे ही कपड़ा रख के मुंह से वो देने लगे, तो उससे क्या हुआ, उनकी जो ऐड थी ना, जितना भी उनको घमंड था वो सारा उनका चकनाचूर हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब उनकी आंख में तिनका पड़ा, वो बेचैन हुए, डर गए, झिझक हुई उनको, और झिझक कर हैरान होके जब उनके पड़ा, बेचैन हुए, उनकी आंखें लाल होकर दुखने लगी, लोग जब वो कपड़े को गोल करके मुंह से गर्म करके आंख पे रखने लगे तो उनकी जो घमंड थी वो सब चकनाचूर हो गई और वो भाग गई। अब इसका हम भावार्थ कैसे लिखेंगे बच्चों। एक दिन का कविता का भावार्थ कैसे लिखेंगे इसका। एक दिन का कविता की इन पंक्तियों में कवि ने आंख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी, उनकी आंख लाल हो गई, दुखने लगी, लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे, इसी दौरान उनकी जो ऐंठ थी, घमंड था, वो सब भाग गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐठता तू किसके लिए इतना रहा, एक दिन का है ते बहुत तेरे। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, जब कोशिश करी और तिनका उनकी आंख से निकल गया, तब कह रहे हैं कि कवि को समझ में आया अपने को, उन्होंने यू मुझे ताने दिए, समझ ने क्या किया उसको ताने दिए, ऐठता तू किसके लिए, तू अकड़ता इतना था वो किसके लिए अकड़ता था, तेरी अकड़ को तो एक तिनके ने ही
चूर चूर कर दिया। एक दिन का ही तेरे लिए, तेरी अकड़ को दूर करने के लिए काफी था। अब इसे लिखेंगे कैसे? एक दिन का कवि में इन पंक्तियों को आंख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। इसमें कहते हैं, इन पंक्तियों में कहते हैं, जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका निकल गया। जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका निकल गया। उसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया था, जो कि बहुत छोटा होता है, उसी ने तोड़ दिया था। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर ही हो जाता है। आओ प्रश्न अभ्यास की तरफ चलें। कविता से नंबर 1, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक दिन का आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक दिन का पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। आपका एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, ठीक है। खा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। गा, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। ख, जब किसी ढब से निकल गया तिनका। तो इसका उत्तर देंगे का। एक दिन था अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। मुंडेर पर खड़ा, तो इसे लिखेंगे, एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। खा, लाल होकर आंख की दुखने लगी। क्या लिखेंगे? आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। खा का लिखेंगे, किसी तरीके से आंख से तिनका निकल गया। दूसरा, एक दिन का कविता में किस घटना की चर्चा की गई है, जिसमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर देंगे, एक दिन का कविता में हरिओद जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है, जब कवि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता था। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने ही चूर चूर कर दिया। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया और उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। उस तिनके को निकालने की कई प्रयास किए गए और जब किसी तरीके से वह तिनका निकल गया, तब कवि को समझ आया कि उसका अभिमान तोड़ने के लिए एक छोटे से तिनका ही काफी था। तीसरा, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर देंगे, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख दर्द के कारण लाल हो गई, आंसू बहने लगे, वो बेचैन हो उठा। किसी भी तरह से आंख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगा। चौथा, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? उत्तर देंगे, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े को मूठ बनाकर उसकी आंख पर लगाया, तिनका निकालने का प्रयास किया। पांचवा, एक तिनका आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया, ये तो मैंने बता दिया। पांचवा, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐठता तू किसके लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी, तिनका कभू ना नी दिए,
पांव तले जो होए, कभू उड़िए आंखें परे पीर घरेली होए, है ना। तो इसका उत्तर हम देंगे, उत्तर देते हैं इन दोनों काव्यांशों में, मतलब कि ये वाला कबीर वाला और तिनका वाला, इन दोनों काव्यांशों में यह समानता है, इनमें दोनों जो है ये समानता है कि दोनों में ही तिनके के उदाहरण द्वारा यह समझने का प्रयास किया है कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को परेशान में डाल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब